अच्छा जी, हमने एक पैन ले लिया और एक कप मैंने पानी ले लिया। इसको हम बॉईल करेंगे और इसमें आप रेड जेली ऐड करेंगे, 2 टेबल स्पून। ये जेली ले ली मैंने रेड फालूदा के लिए जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसको डिसॉल्व करेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे हल्के हल्के और स्लो फ्लेम पे है ये। और 2 से 4 मिनट लगे इसको और ये हो गई है। इसे हम डिश आउट कर लेंगे और फ्रीज़र में रख देंगे या फ्रिज में ताकि ये ठंडी हो जाए। इसी बर्तन में मैंने 1 कप पानी और ले लिया मेजरमेंट कप से और इसको बॉयल आने देंगे। और ये बॉयल आ गया है और इसमें हम ग्रीन जेली ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून और इसको भी चलाएंगे और ये निकाल लिया हमने, डिश आउट कर लिया और ये ठंडी हो गई थी, मैंने काउंटर पे छोड़ दी थी, फिर इसको फ्रीज़र में रख दिया और ये चिल्ड होके बिल्कुल जम गई थी। और इसको हम कट कर लेंगे क्यूब्स में। और ये सारी ग्रीन भी मैंने ले ली, इसको भी कट कर लेंगे क्यूब्स की शक्ल में। और जी, हमने ये ग्लास ले लिए, 2 ग्लास हम ले लेंगे और इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं। तो हमने रुग अफ़ज़ा ले लिया, इसको नीचे ऐड कर दिया, 2 टेबल स्पून मैंने डाल दिया और ये फालूदा मैंने सोख करके रख दिया था। तो मलंगा मैंने ले के भिगो दिया था और इसको 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और आप बर्फ़ भी ले सकते हैं और रंगीन सेवैयाँ जो वो होता है पूरा, इसको मैंने बॉईल करा सेवैयों को कलरफुल और इनको मैंने 2 टेबल स्पून इसमें ऐड कर दिया। और मैंने बर्फ़ ले ली, उसके क्यूब्स जो थे उसको बारीक मैंने तोड़ा और फिर इसमें ऐड किया। आप साबुत नहीं डालिएगा, इसके चूरा कर लिएगा बर्फ़ को, आइस को। और जी, मैंने 2 टेबल स्पून मैंने इसमें मिल्क ले लिया और थोड़ा थोड़ा मैंने इसमें दोनों में ऐड कर दिया। और फिर दोबारा से मैंने इसमें जेली रेड कलर की और ग्रीन दोनों ऐड कर दी। और जी, ये सब हम जेली वेली मिक्स करने के बाद हम इसमें दोबारा से डाल देंगे, जेली ग्रीन भी डाल दी, रेड भी मिक्स कर दी और अब इसमें फालूदा ऐड कर दूंगी मैं दोबारा से। बहुत मज़े का बनता है, आप ऑप्शनल है आप इसको दोबारा डालें या ना डालें, क्योंकि बच्चे बहुत से वो नखरे करते हैं। और जी, मैंने पिस्ते बादाम भी ले लिए थे, इनको भी मैंने ऐड कर दिया ऊपर से। और ये मज़ेदार हमारा एक आसान सा फालूदा रेसिपी रेडी है। एंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त। और जी, ये थोड़े से मैंने स्प्रिंकल कर दिए इस पर, ये भी ऑप्शनल है। अच्छा जी, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।